तो ये क्या बेसिकली बहुत सारी जो हैं मतलब ऐप बेस्ड है, एंड ऐप बेस्ड में क्या होता है कि मतलब आपको ऐप में क्या ही शोकेस करें, तो उनका प्रोडक्ट जो है अभी थोड़ा सा रेडी नहीं है, तो उस चक्कर में जो है वो स्टॉल्स खाली हैं, एंड आप उनसे आके बात करोगे तो वो आपकी ऐप के बारे में समझा देंगे। जैसे कि अभी अभी देखो बहुत सारी जो हैं खाली हैं। अब इस तरफ देखें तो ये एक नई बाइसिकल दिख रही है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सो गाइस ये है इलेक्ट्रिक बाइसिकल, भाई आप ही देख रहे हैं भैया, थोड़ा सा बताएंगे बाइसिकल के बारे में। ये YouTube पे वीडियो डाल दूंगा, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपका नाम क्या? शुभम शर्मा। तो शुभम शर्मा जी हैं अपने साथ जुड़ चुके हैं, एंड शुभम जी अपने ब्रांड का नाम बताइए पहले। सर E5 इलेक्ट्रिक साइकिल है। E5 इलेक्ट्रिक साइकिल, यस सर। और सर इसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है साइकिल? सर 29,000 से स्टार्टिंग है। 29,000 से स्टार्टिंग है, एंड रेंज कितनी है सर इसकी? सर इसकी जो रेंज मिलती है 29,000 वाले में रेंज मिलती है 18 से 20 किलोमीटर थ्रोटल पे मिलती है, लेकिन अगर आप पेडल असिस्ट मोड पे जब चलाते हैं तो उसके आपको 40 किलोमीटर रेंज मिलती है। 40 किलोमीटर रेंज मिलती है। देन जो टॉप मॉडल है हमारा, इसकी जो रेंज है आपको टॉप मॉडल की 50 किलोमीटर थ्रोटल पर रेंज मिलेगी, लेकिन अगर आप पेडलिंग के साथ चलाते हैं तो उसमें आपको 80 किलोमीटर तक रेंज मिलती है। 80 किलोमीटर तक रेंज इसमें मतलब सिंगल चार्ज में हो जाती है। और मतलब इसका चार्जिंग टाइम क्या रहेगा? सर 3.5 घंटे। 3.5 घंटे? 3.5 घंटे। और मतलब इसमें मॉडल्स कौन कौन से अवेलेबल है? 29,000 वाला है, 36 वाला है, देन 42,000 वाला है। तो जो अपना सबसे टॉप मॉडल है उसमें क्या मतलब स्पेशल है? एक मिनट में आपको टॉप मॉडल पहले दिखा। तो ये है इनका टॉप मॉडल, एंड इसकी स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स के बारे में आप जानते हैं भैया से? तो जी बताइए। तो अपने स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आपको स्पीड, किलोमीटर, बैटरी का वोल्टेज, जी कितने वोल्ट एम्पियर चल रहा है वो, एक बार में आप कितनी ट्रिप लगा रहे हैं वो, और एक पेडल असिस्ट मोड होता है उसमें आपको मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 बार। जैसे आप मोड से चेंज करते हैं तो आपका जो पेडलिंग का एफर्ट है वो कम होता है, देन मोटर आपको सपोर्ट करती है उसमें। मोटर आपको सपोर्ट करती है, एंड आप थोड़ा सा मतलब व्यूअर्स को पता नहीं रहता कि मतलब पेडल असिस्ट क्या है, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर मतलब अच्छे से। पेडल असिस्ट मतलब जब आप पेडलिंग करते हैं तो लाइक अपन जो गियर सिस्टम बोल सकते हैं, जो बाइक्स में गियर रहते हैं, जैसे कि अपन गियर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ती है और चलाने में स्मूथ होती है बाइक भी। ऐसे इसमें होता है जैसे कि आप जैसे गियर शिफ्ट करते हैं तो इसमें आप मोड जैसे शिफ्ट करते हैं, तो जैसे आपने शिफ्ट करा है मोड, तो वो क्या है कि मोटर एकदम कंट्रोलर से पावर लेती है कि यार मोड शिफ्ट हुआ है। जैसे ही मोड शिफ्ट होता है तो उसमें आपको मोटर से ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलता है, तो आपका जो पेडलिंग करने का एफर्ट रहता है एफर्ट कम होता जाता है, तो आपका एफर्ट कम होता जाता है और मोटर आपको सपोर्ट करती जाती है। जैसे आप लेवल से बढ़ाते हैं, अगर आप 5 की लेवल 5 मोड पर गए तो 80 से 90% सपोर्ट आपको मोटर करेगी, 10% एफर्ट आपका रहेगा उसमें। तो ये खासियत रहती है इनके। एक्टिव ज़्यादा पूरा हेडलाइट्स दी हुई है। अच्छा, हेडलाइट भी आगे बहुत ब्राइट हेडलाइट है, एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। एलईडी लगा, टेल लाइट दी हुई है, इसमें टेल लाइट भी पीछे भी है, और ये सब इनबिल्ट है, ये कुछ भी अलग से नहीं लगवाना है, सब इनबिल्ट रहेगा। इंडिकेटर का स्टाइल बहुत ही पसंद आया मुझे, ये देखिए साइड में है एंड यहाँ पे फ्रंट में भी है, बहुत स्मार्टली इंडिकेटर प्लेस किए गए हैं इनमें। अच्छा, ये मतलब ये है मतलब अब जो है नाइट सेफ्टी के हिसाब से मतलब नाइट में चला रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग में चला रहे हैं, तो उसके लिए पूरी सेफ्टी रखी हुई है इसके अंदर। देन इंडिया की फर्स्ट साइकिल है जिसके सीट में पिलर में सस्पेंशन दिया हुआ है, या जिसके सीट में पिलर में सस्पेंशन दिया हुआ है आपको। अच्छा, देन दोनों साइड पे डिस्क ब्रेक मिलेगा आपको जी, देन आगे सस्पेंशन मिलेगा आपको, फ्रंट में भी सस्पेंशन दिया हुआ है इसके अंदर। सर अगर आप बताएं, अगर आप किसी भाई को अपने साइकिल परचेज करनी है, हाँ, तो ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं? सर ये परचेज ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, E5 इलेक्ट्रिक साइकिल, E5 इलेक्ट्रिक साइकिल, हाँ, अपनी साइट वहाँ पे भी, हाँ सर। अच्छा। उसमें E5.ride-com पे जाके सर्च कर सकते हैं ये साइकिल्स को। देन अगर जो डीलर्स है हमारे इंदौर में, 2 डीलर्स अपॉइंट है, एक अपने RR केट रोड जो केट है वहाँ पे कृष्णा साइकिल्स है, देन अपना विजयनगर 54 में जो मेरियट होटल है उसके जस्ट अपोजिट साइड में काशवी मोटर्स है, वहाँ पे भी आप साइकिल परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है साइकिल। सर्विस वगैरह भी सब वहीं पे हो जाएगी? हाँ सर, सर्विस वहाँ पे भी हो सकती है, और एक हमारा ऑथोराइज सर्विस सेंटर है जो मालवा मिल पे, वहाँ से भी आप सर्विस सेंटर ले सकते हैं, और ईमेल पे मतलब जो हमारा वेबसाइट है उस पर पूरी डिटेल देख सकते हैं। डीलर्स की इन्फॉर्मेशन है उस पर, कौन कौन से डीलर्स है, कहाँ कहाँ अपॉइंटेड डीलर्स, अगर कोई बाहर भी है तो बाहर के डीलर्स भी हमारे पास, जैसे कि भोपाल हुआ, उज्जैन हुआ, नीमच हुआ, यहाँ सब पे भी आप मतलब साइकिल जो है सप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो देन अगर आप बाहर से हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। साइकिल डिटेल्स हम दिखा दें व्यूअर्स को, ताकि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो अभी हम आपको साइट की डिटेल्स दिखा देते हैं। नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, की ये देखिए इनकी साइट भी दी हुई है, नंबर्स भी दिए हुए हैं, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस साइकिल को लेने के लिए तो आप बिल्कुल ही कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। एंड ये देखिए एक बार मैं साइकिल आपको फिर से दिखा देता हूँ, काफ़ी स्मार्ट एंड यूनिक साइकिल है। तो भाई अब चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ, एंड अगला स्टॉल जो है,
वाला स्टॉल जो है ये है रिंगो। ये भैया आपने ये एक ही सिंगल मॉडल आता है, ये है इनका स्कूटर। भैया ये वीडियो यूट्यूब पर डाले, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सर ये हमारे यहाँ इंदौर में हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अच्छा। जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंट पे प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। अच्छा, रेंट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करते हैं। इंदौर में हमारे चार स्टेशन हैं, सत्य साई, पलाशिया, भवरकुआं, भोलाराम। अच्छा। इन चारों स्टेशन में से आप कहीं से भी गाड़ी पिक करके कहीं भी ड्रॉप अप कर सकते हो। अच्छा सर, इसका चार्जेस होता है ₹3 per kilometer, ₹3 per kilometer प्लस 50 paise per minute। ठीक है, यानी 1 hour का 30 rupees तो आपका टाइमिंग का लग जाता है। हाँ जी। प्लस किलोमीटर, जैसे 1 hour में आप चला के लाए मान लो 5 kilometer। एक मिनट में ये थोड़ा सा इसको इस पे दिखा देते हैं जी, अब बताइए। देखिए सर, जैसे आप 1 hour में लेके आते हैं जी, 1 hour का 30 rupees तो आपका टाइमिंग का बन जाता है 50 paise per minute के हिसाब से। ठीक है। प्लस किलोमीटर, अब जैसे 1 hour में आप चला के लाए हो और बनता है आपका, आपने चलाया 5 kilometer है, ठीक है, तो उसमें इंटू कर देंगे अपन 3, तो 15 rupees आपकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी 5 kilometer की, उसमें आपका प्लस हो जाएगा 30 टाइमिंग का। अच्छा, टाइमिंग का तो आपका टोटल बनेगा 45, ओनली 45 पेमेंट करना है आपको, उसके अलावा कोई पेमेंट नहीं करना है। कोई पेमेंट, और उसको हायर कैसे कर सकते हैं? सर आप आने पिकअप करने आते हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इन दोनों की फोटो आपको लेडीगो एप्लीकेशन में शेयर करना होगी, जिसमें वेरीफाई कम्प्लीट हो जाएगा आपका, फिर आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। सर हमारे चार स्टेशन हैं, बट इंदौर में हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए हमने 54 का टारगेट रखा है। इन 54 को हमें इंदौर में स्टेशन बनाना है, जिससे कि इंदौर के कोने कोने में रेडिगो के स्टेशन बन जाए सर। और जैसे कि इन केस अगर कोई मतलब कस्टमर इनकन्वीनियंट होता है, जैसे कि चलते चलते उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो उस केस में क्या रहेगा? इंदौर के चारों कोनों में हमारा स्टेशन है सर। कस्टमर कॉल करेगा कस्टमर कॉल नंबर पे, तो हमारी सर्विस जहाँ भी जिस कोने में बंदा होगा उस बंदे को पहुँचा देंगे हम, वो सर्विस देंगे, सर्विस हमारी ओर से रहेगी। अच्छा, बैटरी चेंज करने हम, बैटरी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है सर्विस हमारी ओर से रहेगी। अच्छा। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पेट्रोल डीजल आपको नहीं डलाना है, गाड़ी पिकअप करते समय 0 deposit है, आपको कोई डिपॉजिट नहीं देना है। अगर मतलब ये परचेज के लिए तो है नहीं कोई परचेज करेंगे? नहीं। और ये जो स्कूटर है अपन खुद ही बनाते हैं कहीं से इंपोर्ट? नहीं सर, हमने खुद ने किसी और से परचेज किया है और ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है सर, अभी से आप रेंट कर सकते हैं। और ये अपने स्टार्टअप का नाम है रेडिगो। रेडिगो, रेडिगो रेंट ई बाइक। रेंट ई बाइक, एंड आपकी कोई एप्लीकेशन भी है? जी सर, रेडिगो, रेडिगो ही नाम से एप्लीकेशन है सर। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है? प्ले स्टोर पर बिल्कुल अवेलेबल है सर। ठीक है, तो ये इनकी एप्लीकेशन है, इनके कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, एंड मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं इस मतलब प्रकार से। अगर आपको कोई भी हैजल है, अगर आप कहीं से बाहर से भी यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, तो इजीली अब आप स्कूटर जो है रेंट कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं, एंड सर्विस की भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस की जवाबदारी भी ये लोग खुद ले रहे हैं, अगर आपको कोई बीच में इलेक्ट्रिक या फिर डिस्चार्ज हो जाती है, कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत रहेगी, तो सब यही लोग सॉल्व करेंगे। एंड सर थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, ठीक है ना? ओके, तो भाई ये थी एक नया कॉन्सेप्ट। हाँ, ये इनका कार्ड है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस टाइप का स्कूटर वो रेंट करने के लिए, तो आप इस पर बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।